बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में सिलेक्टेड कैंडिडेट के जो नंबर है दोस्तों वो आपको पता नहीं होगा, वहीं जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनका भी नंबर क्लियर नहीं है कि कितने नंबर हैं। वहीं दोस्तों गुड न्यूज ये है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो जिस विद्यालय में हैं वहीं अपना कार्यभार संभालेंगे, कोई ट्रांसफर उनका नहीं किया जाएगा। जितने भी नियोजित शिक्षकों का चयन हो चुका है, कितने शिक्षकों का चयन हुआ है उनकी भी मेरिट लिस्ट निकल सकती है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा दोस्तों आपने केवीएस में देखा होगा कि केवीएस की जो कट ऑफ गई है वो जनरल ओबीसी एससी एसटी सब कुछ उनकी नोटिस में मेंशन किया गया है, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती जो हुई है इसमें इनके द्वारा साफ तौर पर मेंशन नहीं किया गया है। जो लोग लिस्ट में हैं, जो लोग बाहर हैं, किसी को किसी से आप पूछेंगे कि आपका कितना नंबर है तो कोई कन्फर्म नहीं बता रहा है कि मेरा नंबर इतना है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट में साफ तौर पर, क्योंकि जो लिस्ट निकाली गई है वो सिर्फ क्वालिफाई वालों की निकाली गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के बातें चल रही। वही धांधली का जो मामला चल रहा है दोस्तों माध्यमिक में भी आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट में इससे रिलेटेड भी देखा होगा आपने, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और एस्टेट जो है अदर अलाउ, पहले अलाउ ही नहीं था अदर स्टेट, फिर भी जो है यूपी के स्टूडेंट कैसे जो है माध्यमिक में उनका चयन, उन लिस्ट में उनका नाम है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को फॉलो करेंगे, बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उनका कहना था फिर भी बीएड का रिजल्ट क्यों जारी किया गया, उसमें बीएड वालों के नाम क्यों हैं, ये सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं। और मेरिट लिस्ट की बात करें दोस्तों, वेटिंग लिस्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, 6 महीना 2 साल 3 साल, मतलब ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तब जाके वेटिंग लिस्ट का कहीं ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन मेरिट लिस्ट की जो सारी चीज़ें चल रही हैं, जो अभ्यर्थी जिनके नंबर ज़्यादा हैं किसी ना किसी वजह से वो अभी नहीं हो पाए हैं, तो उनका तो होना चाहिए, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए जो पास हो चुके हैं, फिर भी जो है अभी उनका कहीं पर अता पता नहीं है। दूसरी बात, जो नियोजित शिक्षक के तौर पर हैं राजकर्मी बनेंगे, उन्हें जो है उन्होंने जो है पेपर पास किया है, बहुत से अभ्यर्थी जो है इसको लेकर के डाउट हैं कितने फ्रेश कैंडिडेट हैं और कितने जो है उसमें जो नियोजित शिक्षक थे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कम से कम ये चीज़ें पता चल जाती है, जो 42,000 में जो है कितने फ्रेश कैंडिडेट हैं, कितने नियोजित शिक्षक हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए ज्ञापन भी जो है अभ्यर्थियों द्वारा सौंपा गया कि जो भी सीटें खाली रह जाती हैं उसकी मेरिट लिस्ट जो है आनी चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो आएगी तो उससे क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे किसी वजह से जिनके नंबर भी ज़्यादा हैं और वो उस लेवल पे हैं कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए, फिर भी जो है अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है, बल्कि जो बाहर यानी जो बीएड वाले हैं, कुछ बीएड कैंडिडेट उसमें देखे जा रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, ये सारी चीज़ें चल रही है। दूसरा दोस्तों, नियुक्ति पत्र को लेकर के 2 नवंबर का आपको जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और कुछ जो है माननीय सीएम की तरफ से मिलेगा, कुछ को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है और अदर जगहों पर, जैसा कि कल की नोटिस में मैंने आप सभी को बताया था, तो इस तरह से आपको मिलने वाला है। और 4 नवंबर से स्कूल आवंटन की ये सारी चीज़ें चलने लगेंगी। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, 42,000 जो सीटें हैं इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे ही और चीज़ें क्लियर होंगी मैं आप सभी को अपडेट करूंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।